जय हिंद दोस्त, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। बहुत सारे भाई द्वारा पूछा जा रहा था कि सर, छत्तीसगढ़ जिला पुलिस में रिटर्न एग्जाम के लिए क्वालिफाई करने के लिए कम से कम किस कैटेगरी को कितना नंबर फिजिकल टेस्ट में लाना होगा, ये कमेंट कर रहे थे आप लोग और लाइव वीडियो में कमेंट कर रहे थे। तो हमने एक ऑफलाइन वीडियो बना रहे थे ताकि आप बाद में भी देख सकते हो। तो हम यहाँ पर आपको बताया, फिजिकल जो होगा वो 4-5 इवेंट में होंगे। आप सभी जानते हैं, लॉन्ग जंप रहेगा, हाई जंप रहेगा और गोला फेंक रहेगा, 100 मीटर का रनिंग, 800 मीटर का रनिंग रहेगा। पांचों इवेंट जो कि 20-20 अंक का रहता है, टोटल 100 मार्क होते हैं। अब बात आता है कि ये जो 6000 भर्ती निकला हुआ, इसके लिए है कि कितना कम नंबर कम से कम लाएंगे तो हम फिजिकल में पास हो जाएंगे, कितना नंबर लाना होगा। तो आपको बता दें, 100 नंबर में अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 100 नंबर में 60 नंबर लाना अनिवार्य है, तभी आप जो है ना लिखित एग्जाम के लिए क्वालिफाई करेंगे। कम से कम 60 अंक लाने होंगे, ठीक है, सामान्य अभ्यर्थी जनरल के लिए। अब बात आता है कि ओबीसी का कितना है। ओबीसी के लिए 50% अंक लाना अनिवार्य है। अगर आप इससे कम अंक लाते हैं, तो आप फिजिकल के बाद ही बाहर हो जाते हैं, आप लिखित एग्जाम के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब बात आता है एसटी और एससी के लिए। एससी और एसटी कैटेगरी के लिए भी मिनिमम जो क्वालिफाई है, कम से कम आपको 50% अंक अर्थात 50 अंक लाने ही होंगे। सीजी पुलिस भर्ती में अगर आप आगे के प्रक्रिया में भाग लेंगे, फिजिकल में कम से कम इतना अगर अंक आप लाते हैं तभी आप रिटर्न एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं। तो यही अपडेट था, आप लोग बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे थे, इसलिए हमने आज ये वीडियो बनाया है। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप अपना फीडबैक जरूर देंगे।